हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कोई रेसिपी बनाने वाली नहीं हूँ, लेकिन आज मैं आप सभी लोगों की बहुत बड़ी डिमांड पूरी करूंगी। बहुत दिनों से आप सभी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं फ्रिज की क्लीनिंग के बारे में वीडियो जरूर शेयर करूँ। आज जो मैं फ्रिज की सफाई करने वाली हूँ, वो मैं एकदम आसान तरीके से करूंगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कितनी आसानी से फ्रिज को क्लीन कर सकते हैं। और जो वो बर्फ जम जाती है फ्रिज में, जिसकी वजह से सबको बड़ी परेशानी होती है, उस बर्फ को आप फटाफट कैसे हटा सकते हैं, यानी गला सकते हैं, उसकी भी एक बहुत अच्छी टिप दूंगी। और जो दाग धब्बे लग जाते हैं पीले फ्रिज में, एक स्मेल सी बन जाती है फ्रिज में, उसको कैसे साफ करें, तो वो भी आप इस वीडियो में सब देखेंगे। तो पूरा वीडियो वॉच करें और देखें मेरे स्टाइल में फ्रिज की क्लीनिंग, वो भी चुटकियों में। चलिए शुरू करते हैं फ्रिज की सफाई। सबसे पहले फ्रिज की क्लीनिंग के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है जब आपकी सारी सब्जियां लगभग खत्म होने वाली हो, फ्रिज में सामान रखा हुआ है वो भी ऑलमोस्ट कम हो, तो उस टाइम बेस्ट टाइम है कि आप फटाफट से फ्रिज को खाली करें और उसकी सफाई करें। क्योंकि अगर ज्यादा सामान भरा हुआ है या ज्यादा सब्जी भरी हुई है, तब हमारा मन भी नहीं करता और फ्रिज में से फिर सारा सामान निकालने में परेशानी भी होती है। तो अभी फ्रिज मेरी काफी खाली सी थी। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है फ्रिज को क्लीन करने का, आप पावर कॉर्ड निकाल दें जिससे कि पावर सप्लाई इसकी कट हो जाए। फ्रिज को एम्प्टी, यानी फ्रिज को पूरा आप खाली कर दीजिए। जिस तरह से मैंने फ्रिज को पूरा खाली कर दिया है और फ्रिज गंदी भी हो रही है, तो अब क्या करेंगे, जितना भी आप देख रहे हैं सब्जी वगैरह के पड़े हुए हैं, जितना भी गंदगी है, उसको पहले टिश्यू पेपर से या आप किचन टॉवल ले लें या कोई भी कपड़ा, उससे पहले हम सारा ये कूड़ा हटा देंगे। क्रिस्पर बॉक्स जिसमें हम अपनी सब्जियां रखती हैं, उनको धुलने के लिए मैं पहले निकाल देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मेल टेस्ट। आप ये देखिए कि आपके फ्रिज में क्या काफी ज्यादा स्मेल आ रही है। अगर स्मेल आ रही है तो सबसे पहले हम शेल्फ पर और जितनी भी फ्रिज की साइड की शेल्फ होती है, सभी पर बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा यानी खाना सोडा। इस तरीके से आप खाना सोडा, हम सभी के घर में रहता है, उसे छिड़क दें। बहुत ही बढ़िया एक नेचुरल क्लींजर भी है और ये फ्रिज को बिल्कुल स्मेल फ्री बना देगा। बहुत ही 100% इफेक्टिव ये टिप है। अगर किसी भी तरीके की स्मेल है आपके फ्रिज में, बेकिंग सोडा से वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तो मैं सभी जगह थोड़ा थोड़ा सा डाल देती हूँ। बेकिंग सोडा डालने के बाद आप फ्रिज को लगभग 20 मिनट के लिए इसी तरीके से डोर को बंद कर दें और फ्रिज को इसी तरह छोड़ दें, जिससे कि बेकिंग सोडा अपना काम कर पाए। अब 20 मिनट बाद सबसे अच्छा आइडिया रहता है फ्रिज क्लीन करने के लिए, आप सारी शेल्फ्स को निकाल लें। अगर बहुत ज्यादा गंदी नहीं है तो मैं अभी आपको एक फ्रिज स्प्रे बताऊंगी, उस तरह आप बना लें, तो डायरेक्टली आप यहाँ भी क्लीन कर सकते हैं। और अगर ज्यादा गंदी है तो आप सीधे इसको डिश वॉश जेल से हम सिंक पर धो लेंगे। अभी मैं शेल्फ्स को निकाल लूंगी बाहर। अब जो चिल्ड बिन है, यानी जो हमारी चिलर ट्रे होती है, इसको भी हम वॉश के लिए निकाल लेते हैं। अब जैसे चिलर बिन है और हमारी साइड शेल्फ्स हैं, अगर बहुत ज्यादा गंदी है तो ये भी रिमूवेबल होती है, आप इन्हें भी निकाल सकते हैं और वॉश कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा गंदी नहीं है तो अभी जो मैं फ्रिज क्लीनर बना रही हूँ, उससे सिर्फ हम स्प्रे करेंगे, उसी से हमारा काम चल जाएगा। तो आपका दोनों ही ऑप्शन है क्लीन करने के। फ्रिज को पूरा क्लीन करने के लिए बेस्ट आइडिया कि हम सबसे पहले एक फ्रिज क्लीनर बना लें, जो आपको हर वक्त काम आएगा। जब भी थोड़ा सा फ्रिज गंदा हो, आप तुरंत स्प्रे करके वहीं की वहीं पहुंचकर उसको क्लीन कर सकते हैं। तो क्लीनर बनाने के लिए आप लीजिए एक कप पानी, नॉर्मल पानी। अब पानी में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून कोई भी डिश जेल, जो भी आप यूज करते हैं वो आप इसमें 1 चम्मच डाल लें। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 कप सिंथेटिक विनेगर, यानी व्हाइट विनेगर। बहुत ही इजीली सभी सुपरमार्केट में मिल जाता है, हम चाइनीज खाने में भी इसका यूज करते हैं। बहुत ही बढ़िया क्लींजर होता है, सभी तरीके के पीले दाग धब्बे आप विनेगर से क्लीन कर सकते हैं। 1/4 कप सफेद सिरका। तो लीजिए, तैयार हो गया हमारा बहुत ही बढ़िया और इफेक्टिव फ्रिज क्लीनर। इस क्लीनर को आप एक स्प्रे बॉटल में भर करके तैयार रखिए। जब भी आपको अपनी फ्रिज क्लीन करनी हो, बिना धोए बिना कुछ किए आप इस स्प्रे से क्लीन कर सकते हैं। अब फ्रिज में हम सभी जगह पर इस स्प्रे को करेंगे। तो स्प्रे करने के बाद आप ले लें कोई माइक्रोफाइबर कपड़ा इस तरीके का, या फिर आप ले सकते हैं स्कॉच ब्राइट। तो इस तरीके से आप स्प्रे करने के बाद पोंछते जाएं। और ये देखिए, स्प्रे की वजह से कितनी जल्दी हमारी फ्रिज चमकती जा रही है, क्योंकि मैंने उसमें व्हाइट विनेगर यूज किया है, जिसकी वजह से सारी क्लीनिंग बहुत फास्ट होती है। इसी तरीके से जो भी बैंड्स हैं, बैंड्स पर भी हम स्प्रे करेंगे। और इसको कपड़े से क्लीन करते जाएंगे।
और ये जो बैंड्स हैं इसी तरीके से हम इन पर भी थोड़ा स्प्रे करेंगे और कपड़े से क्लीन करते जाएंगे। अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा हमारे बैंड्स गंदे हैं तो आप एक पुराना टूथब्रश लें और टूथब्रश से इस तरीके से इसकी क्लीनिंग कर दें। बहुत ही आसान हो जाता है सारे ही बैंड्स जितने फ्रिस्के होते हैं ब्रश से क्लीन करना। फिर उसके बाद एक कपड़े से उसको पोंछ दे जाए। अब आप डिफरेंस देखिए, सिर्फ हमने स्प्रे किया ऊपर और कपड़े से पोंछा तो ये कितना क्लीन पोर्शन लग रहा है, और ये डिफरेंस देखिए नीचे का। इसी तरीके से अब हम चिलर बिन को भी क्लीन कर लेंगे। ये देखिए स्प्रे से मैंने चिलर बिन को क्लीन किया है, कितना हमारा चिलर बिन एकदम चमचमा रहा है। विनेगर का फायदा एक ये भी है, जितना भी ग्रीजी सा होता है फ्रिज यानी चिपचिपा सा, वो भी सारा निकल जाता है बहुत ही आसानी से। यहाँ मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगी, अगर आपके फ्रिज में बहुत ज्यादा पीले दाग धब्बे पड़े हुए हैं तो आप लें पीले दाग धब्बों के लिए बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, और आप लें नींबू। अगर विनेगर है तो आप यहाँ विनेगर भी यूज कर सकते हैं, वरना आप नींबू ले लें। नींबू को इस तरीके से उल्टा करके आप सोडा में डालें और जहां भी पीले दाग धब्बे हैं वहां पर आप इसको पेस्ट को लगा दें। इस बैंड पे आप देख रहे हैं स्प्रे से भी क्लीन हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ज्यादा अगर पीले धब्बे पड़े हुए हैं तो आप इससे क्लीन कर सकते हैं। इससे रगड़ते जाएं और कुछ मिनट्स के लिए इसी तरह छोड़ दें। और इसी तरीके से हम जो साइड शेल्फ है फ्रिज की उसको भी निकाल लेंगे, या फिर अगर आपकी क्लीन है तो आप यहीं पर स्प्रे करके इसको पोंछ सकते हैं। मैं निकाल लेती हूँ और इनको वॉश कर लेंगे और इस पोर्शन को हम स्प्रे से क्लीन करेंगे। अब यहाँ पर हम पूरे में स्प्रे करेंगे और इसको पोंछते जाएंगे। फ्रिज के क्लीनिंग में सबसे जरूरी पार्ट इसकी रबर, यानी जो रबर गस्केट होती है, अक्सर हम उसको क्लीन करना भूल जाते हैं, जबकि उसकी क्लीनिंग बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा कभी कभी फ्रिज में कॉकरोचेस तक हो जाते हैं और वो इसी रबर में ही अपना घर बना लेते हैं। तो उसकी क्लीनिंग के लिए जो स्प्रे मैंने बनाई है उस स्प्रे को हम इस तरीके से स्प्रे करेंगे। तो आप टूथब्रश से इसको इस तरीके से क्लीन करते जाएं। बहुत ही आसान तरीका है ये रबर को क्लीन करने का, और जो स्प्रे में हमने विनेगर डाला है उसकी वजह से इसमें मच्छर मक्खी कॉकरोचेस जो आ जाते हैं कभी कभी फ्रिज में, वो बिल्कुल नहीं आएंगे। या फिर आप ले सकते हैं ईयरबड, ईयरबड लेकर के आप स्प्रे करने के बाद इस तरीके से इसके अंदर का जो पोर्शन है उसको क्लीन कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका होता है ये क्लीन करने का, क्योंकि रबर एक ऐसा पार्ट है फ्रिज का जिसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। तो हमारी रबर भी बिल्कुल क्लीन हो गई है, बहुत ही अच्छा तरीका है ये रबर क्लीन करने का। अब इसी तरीके से हम ऊपर का अब फ्रीजर क्लीन करेंगे। फ्रीजर का सारा सामान आप पहले बाहर निकाल दें, सारी शेल्फ को खाली करने के बाद आप स्प्रे करें। जहां जहां पीले निशान है वहां बेकिंग सोडा और नींबू का जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से पेस्ट लगा करके आधे घंटे के लिए आप छोड़ सकते हैं, तो उससे भी आपके सारे पीले दाग हट जाएंगे। इस तरीके से फ्रीजर की पूरी क्लीनिंग कर ले, और जहां भी जो बैंड्स हैं उन बैंड्स को आप टूथब्रश से क्लीन करते जाएं। फ्रिज में ये जो इस तरीके के बैंड होता है उसको आप या तो टूथब्रश से या पुराने टूथब्रश से इस तरीके से क्लीन करें, इससे वो पूरा क्लीन हो जाएगा। तो देखिए हमने इस तरीके से फ्रीजर का ये हिस्सा पूरा क्लीन कर लिया है, और ये देखिए बैंड वगैरह सब एकदम क्लीन हो गए हैं, बिल्कुल शाइन, और फ्रिज क्लीनर की वजह से ये बिल्कुल चमचमा रहा है। इसी तरीके से फ्रीजर की साइड शेल्फ को भी हम इसी तरह क्लीन करेंगे। ज्यादा गंदी है तो आप रिमूव करके वॉश कर सकते हैं, वरना आप इसको यहीं स्प्रे से क्लीन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ स्प्रे कर देती हूँ और इसको क्लीन करते जाएंगे। बस इसी तरीके से ये मैंने शेल्फ भी साफ बिल्कुल कर ली है, ये देखिए सब चमक रहा है और हमारा फ्रीजर एकदम क्लीन हो गया है। अब हम फ्रिज की सभी शेल्फ्स को एक डिश जेल और एक स्क्रबर लेंगे, उससे हम पूरा क्लीन कर लेंगे और पानी से वॉश करेंगे। और इसी तरीके से हम बाकी सारी शेल्फ्स को बिल्कुल क्लीन कर लेंगे।
अगर ज्यादा स्पॉट्स आपको लग रहे हैं शेल्फ पर भी, तो आप बेकिंग सोडा और डिश जेल दोनों एक साथ लेकर के तब क्लीन करें। और हम इसी तरीके से जो ऊपर की छत है फ्रिज की, उसको बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे क्लीन करना। तो इसी तरीके से स्प्रे हम ऊपर भी करेंगे और पूरा ऊपर का हिस्सा भी क्लीन कर लेंगे। और शेल्फ को क्लीन करने के बाद, जैसे मैंने इसको वॉश कर लिया है क्योंकि ये ज्यादा गंदी थी, अब इसको हम फिट करेंगे। सभी को हम वापस उसी जगह लगा देंगे और हमारा फ्रीजर पूरा क्लीन। सभी शेल्फ को मैंने वॉश करके अच्छे से पोंछ लिया है और यह बिल्कुल चमक रही है। इसको वापस अब हम फ्रिज में ही लगा देंगे। लीजिए, फ्रिज पूरी चमक गई है। आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया और कितना नीट हमारी फ्रिज क्लीन हुई है, और वो भी स्प्रे से। तो जरूर आप इसे बनाकर रखिए। अब आपको फ्रिज क्लीन करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हफ्ते के हफ्ते फ्रिज क्लीनर से फ्रिज आप बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। हमारी फ्रिज अंदर से पूरी क्लीन हो चुकी है, अब आता है नंबर बाहर का। तो चलिए अब फ्रिज को बाहर से भी पूरा क्लीन कर लेते हैं। जैसे मैंने ये डबल डोर फ्रिज की क्लीनिंग की है, डबल डोर फ्रिज में बर्फ का इतना प्रॉब्लम नहीं होता। कई सिंगल डोर फ्रिज में बर्फ काफी ज्यादा जम जाती है और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है डोर बंद करने में भी और उस बर्फ को निकालने में भी। तो उसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक ये है, आप हेयर ड्रायर ले लें और हेयर ड्रायर से हॉट एयर ब्लो करें। जहां भी बर्फ आपकी जमी हुई है सिंगल डोर फ्रिज में, वहां पर हेयर ड्रायर से जो हॉट एयर निकलेगी, उससे वो बर्फ जल्दी से मेल्ट होने लगेगी और आप आसानी से फ्रीजर को क्लीन कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है। अगर आपके पास हेयर ड्रायर की सुविधा नहीं है तो आप हॉट वाटर से भी उसको क्लीन कर सकते हैं। और यहाँ मैं कुछ टिप आपको ये भी देना चाहूंगी, फ्रिज पूरी क्लीन होने के बाद जब आप जो भी सामान उसमें लगाते हैं, एक तो फ्रिज को आप ओवरबर्डन मत कीजिए। अगर फ्रिज में अच्छी तरीके से एयर सर्कुलेशन होगा, उससे कोई भी स्मेल नहीं आएगी फ्रिज में और फ्रिज बहुत अच्छा काम करेगी, उसकी कूलिंग प्रॉपर होगी। दूसरा, जब आप कोई भी सामान लगाएंगे फ्रिज में, उसके एक्सपायरी डेट चेक करके ही फ्रिज में रखें। एक्सपायर्ड चीजों को डिस्कार्ड कर दें और जो जरूरत की चीजें हैं उन्हीं को फ्रिज में रखें। यहाँ मैं एक पॉइंट आपको ये और बताना चाहूंगी, फ्रिज में जब आप सामान रखते हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि फ्रिज आपकी जल्दी गंदी ना हो। आप इस तरीके के डाइनिंग टेबल मैट्स आते हैं मार्केट में, बहुत इजीली मिलते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका है। आप मैट लें इस तरीके का और यहाँ पर और फ्रिज की शेल्फ्स पर इस तरीके से लगा दें। जो भी गंदगी होगी वो मैट पर होगी, आप इजीली मैट को निकाल सकते हैं। और मैट प्लास्टिक का होता है तो आप इजीली इसको वॉश करके पोंछ करके वापस लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो फ्रिज कम गंदा होगा, शेल्फ पर ज्यादा गंदगी बिल्कुल नहीं फैलेगी। यानी अगर आपको फ्रिज एक हफ्ते में साफ करनी पड़ रही है, तो इस तरीके से आपको 20 दिन तक भी फ्रिज को जल्दी जल्दी क्लीन नहीं करना पड़ेगा। क्लीन बनी रहेगी फ्रिज और आपकी शेल्फ भी साफ रहेंगी। तो इसी तरीके से आप दूसरी शेल्फ पर भी टेबल मैट्स लगा दें। ये मैं टेबल मैट का आईडिया आपको इसलिए दे रही हूँ, ऑनलाइन आप फ्रिज मैट्स भी खरीद सकते हैं। फ्रिज मैट थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो इसी तरीके से आप सभी टेबल मैट्स को एक एक शेल्फ पर इस तरीके से लगा दें। इस तरीके के एंटी स्किड मैट्स आते हैं जो कि मल्टीपर्पज होते हैं, आप इनको बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि आप इसको सिंक में भी बिछाकर कांच की क्रॉकरी को इजीली क्लीन कर सकते हैं। इन्हीं मैट्स को आप जगह जगह फ्रिज में भी बिछा सकते हैं। तो आप ये ना लगा करके इस तरीके से एंटी स्किड मैट्स लगा सकते हैं, इससे चीजें स्लिप नहीं होती हैं और आपकी फ्रिज भी क्लीन रहेगी। तीसरी चीज है, इस तरीके के एंटी स्किड रोल्स मिलते हैं, आपको किसी भी अच्छे सुपर स्टोर में मिल जाएंगे। ये एक लंबा रोल टाइप आता है, इसको कट करके आप फ्रिज में बिछा सकते हैं, तो ये भी क्लीन हो जाता है। तो देखा आपने कि फ्रिज को साफ करना आप कितना आसान है। जरूरी नहीं है कि पूरे फ्रिज को आप साबुन से धोने बैठे, कोई जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से फ्रिज क्लीनर बनाइए और अपनी फ्रिज को बिल्कुल चमचमाता पाइए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज 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 लाइक जरूर करें और सभी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। पास ही में बनी बेल बटन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।